नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। निसंतान महिलाओं के लिए रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खोले जाने की अनुमति मिल चुकी है। इस संबंध में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खुल जाने के बाद से रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी जो महिलाएं बच्चों के एहसास से वंचित है और बाहर जाने में भी असमर्थ है, उनके लिए शासन का एक ये नया उपहार होगा। वहीं कॉलेज के डीन ने यह भी बताया कि शासन स्तर पर इसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिसे बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 200 स्क्वायर फीट का पैसेज चाहिए, जिसका चयन भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल के क्षेत्र में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को IVF ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसके पहले से टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रक्रिया का प्रयोग पहली बार 1978 में इंग्लैंड में किया गया था, लेकिन अब ऐसे सेंटर जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। बताया जाता है कि रीवा में अभी रोशनी क्लिनिक के द्वारा IVF पद्धति पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा बहुत ही एडवांस तरीके से चालू होगी, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। IVF सेंटर खुलने जाने मेडिकल कॉलेज और रीवा से अन्य जिलों पूरी क्या व्यवस्था किस तरीके रहेगी, क्या लाभ मिलेगा सर? हाँ, IVF में हमारे जो निसंतान दंपति होते हैं, जो कि हर पांचवा दंपति में उसको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, तो हमारे यहाँ पर जो गायनी विभाग है, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया जाना है। शासन से हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो गएंगे और बजट भी कुछ ही समय बाद प्राप्त हो जाएगा, इसी आशा हम करते हैं। तो इसमें हम लोग गायनी में एक अलग से हम जगह ईयरमार्क किए, चिन्हित कर ली गई है कि वो जगह पे हम लोग जो है जो आवश्यक उपकरण रखना और आवश्यक जो सुविधाएं होना चाहिए IVF की, वो हम लोग कर रहेंगे। हम लोगों ने पहले प्रथम तो 2000 स्क्वायर फीट में एक डिमांड की थी, उसके बाद शासन ने कहा कि नहीं, 1000 स्क्वायर फीट में ही उसको आप उसका निर्माण करें। तो अभी ये सब प्रचलन में है, कुछ ही समय पश्चात हम लोग भी IVF में सक्षम हो जाएंगे और हमारे यहाँ पर ये कार्य अच्छे से गायनी विभाग करेगा। सर, अभी रीवा जिले में और कहीं है कि नहीं है? ये रोशनी क्लिनिक करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका संचालन होता हैगा, पर हमारे यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो काफ़ी एडवांस होगा। वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होंगे, विभिन्न काफ़ी महंगी मशीनें कभी शासन ने हमको देने का कहा हैगा, तो ये एक अच्छा एडवांस रूप होगा जिसमें हम लोग अच्छे से मरीजों की सेवा कर सकेंगे। सर, क्या माना जाए कब से ये सेवाएँ चालू हो जाएंगी? अभी तो कहना बड़ा कठिन है, ये शुरुआती दौर है, अभी तो शासन ने इसका इनिशिएट किया है, देखते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।